हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दूरी और दिशा परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे। दूरी और दिशा परीक्षण में कुल 5 प्रकार के कंडीशन होते हैं, तो आज हम उन सभी कंडीशनों के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और उसे किस प्रकार यूज करेंगे उसे हम आगे प्रश्नावली में देखेंगे। आगे प्रश्नावली हमारा कल का वीडियो रहेगा। आज हम कुल जो 5 कंडीशन होते हैं उन सभी के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिशा और दूरी परीक्षण में कुल 5 प्रकार के कंडीशन में पहला कंडीशन होता है, पहले कंडीशन में हमें दिशा को ज्ञात करना है। दूसरे कंडीशन में हम पढ़ेंगे दाएं और बाएं मोड़ना। दाएं और बाएं मोड़ना का जो कॉन्सेप्ट है उसे देखेंगे। पहले कंडीशन में हम दिशा देखेंगे कि कोई व्यक्ति जो है किस दिशा में है। तीसरी स्थिति में हम देखेंगे कि दूरी ज्ञात करना कि वह व्यक्ति कितने दूरी पर स्थित है। चौथे कंडीशन में हम देखेंगे कि अगर हम दिशा को परिवर्तित कर देते हैं तो दिशा परिवर्तन से जो कोई दिशा पूछा जाए कि मान लीजिए कि जो उत्तर दिशा है वह नए कंडीशन में कौन सी दिशा पर होगा, तो यह हमें ज्ञात करना, यह चौथा कंडीशन है। और पांचवा कंडीशन जो होगा वह परछाई पर आधारित होगा। मान लीजिए अगर सूर्य पूर्व दिशा से उगती है तो यहाँ पर दो व्यक्ति खड़े हैं, इस प्रकार के कंडीशन आपने पढ़ा होगा। इसकी जो परछाई है वह दिशा में बनेगी। और उसी प्रकार अगर सूर्यास्त की स्थिति है, यह जो पश्चिम दिशा होती है, अस्त की स्थिति में हम देखेंगे परछाई साइड बनती है और यहाँ पर दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर मुख करके खड़े हैं, तो हमें बताना होता है कि व्यक्ति कौन सी दिशा में मुख करके खड़ा है। तो ये टोटल 5 कंडीशन होते हैं। पहले कंडीशन में हम दिशा पढ़ेंगे, दूसरे कंडीशन में दाएं और बाएं मोड़ना, तीसरे कंडीशन में हम दूरी ज्ञात करना पढ़ेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके आप किस प्रकार दूरी ज्ञात कर सकते हैं, और चौथे कंडीशन में हम देखेंगे कि दिशा में जो परिवर्तन होता है, मान लीजिए 135 डिग्री अगर किसी दिशा को मोड़ देते हैं तो हमें प्रश्न में नया दिशा बताया रहता है, तो दूसरे कंडीशन में हमें कोई दिशा दी रास्ते हमें नया दिशा बताना रहेगा, और जो पांचवा होता है वह परछाई पर आधारित होता है। तो चलिए पहले हम दिशा के बारे में पढ़ते हैं कि दिशा पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वह किस प्रकार बनते हैं। पहला जो हमारा जो कंडीशन होता है वह दिशा पर आधारित होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर स्थित है, वह सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर जाता है, ये है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा जाने के बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है, अर्थात वह पूर्व दिशा में जाता है। पूर्व दिशा में जाने के बाद वह दक्षिण दिशा में जाता है, यहाँ पर वह पहुँच जाता है। यहाँ पर इसकी जो दूरी होती है वह आपको बताई रहती है कि वह इतने इतने दूरी के बाद मुड़ता है, तो आपको बताना होता है कि यह व्यक्ति इस व्यक्ति से किस दिशा में स्थित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस व्यक्ति से यह पूर्व दिशा में स्थित है। दिशा का जो कंडीशन होता है उसे भी हम देख लेते हैं। ये जो होता है उसे पूर्व दिशा कहा जाता है, इसके विपरीत होता है उत्तरी दिशा। इसे कहा जाता है नॉर्थ अर्थात उत्तर दिशा, और इसे कहा जाता है साउथ अर्थात दक्षिण दिशा। यहाँ पर इन दोनों के मध्य भी दिशा को ज्ञात किया जाता है। नॉर्थ और ईस्ट के मध्य को कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों के मध्य को कहा जाएगा साउथ ईस्ट, इन दोनों के मध्य को कहा जाएगा वेस्ट साउथ, और इन दोनों के मध्य को कहा जाएगा नॉर्थ वेस्ट। तो इस कंडीशन को याद रखिएगा। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि कोई व्यक्ति सबसे पहले उत्तर की ओर जाता है, उसके बाद वह पश्चिम की ओर जाता है, उसके पश्चात वह दक्षिण की ओर जाता है, आपको यह दूरी दी गई होती है कि वह मान लीजिए 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर वह पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर, और फिर वह फिर से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। तो आपको बताना होता है कि वह व्यक्ति अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो वह व्यक्ति आरंभिक बिंदु से अपने पश्चिम दिशा में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है आरंभिक बिंदु, और जो व्यक्ति है वह पश्चिम दिशा में है। तो इस प्रकार दिशा पर जितने भी प्रश्न होते हैं उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको यह दिशा का ज्ञान होना चाहिए और इस प्रकार आप बता सकते हैं कि वह व्यक्ति किस दिशा में है। मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, दक्षिण की ओर वह 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है 5 किलोमीटर, और जब 10 किलोमीटर बोले तो इसका डबल होगा 10 किलोमीटर। तो आपको बताना है कि वह व्यक्ति अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो दिशा है वह है साउथ वेस्ट। तो आप बता सकते हैं कि वह व्यक्ति अपने प्रारंभिक बिंदु से
दक्षिण पश्चिम दिशा में है। तो इस प्रकार जितने भी कंडीशन होंगे उसके हिसाब से आप इसका दिशा ज्ञात कर सकते हैं। एक कंडीशन फिर चलते हैं, दूसरा कंडीशन है दाएं और बाएं मुड़ना। दाएं और बाएं मुड़ना में आपको चार कंडीशन होती है, आपको आपको चार दिशा रहेगा, चार दिशा के हिसाब से आपकी जो दायां और बायां की स्थिति है वह फिक्स होती है। यह जो दिशा है वह पूर्व दिशा है, इसके विपरीत अगर आप देखेंगे तो यह पश्चिम दिशा है। इसके विपरीत इस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यह उत्तर दिशा है, और इसी प्रकार आप देखेंगे तो यह दक्षिण दिशा है। यहाँ पर चार दिशा होती है और चार दिशा में आपको दाएं और बाएं मुड़ना की स्थिति ज्ञात करना होता है। प्रश्न में आपसे कहा जाए कि कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में जाता है, फिर वह दाएं मुड़ जाता है, फिर वह पश्चिम दिशा में जाएगा बाएं मुड़ जाएगा, उत्तर दिशा में जाएगा तो फिर से दाएं मुड़ जाएगा, दक्षिण में जाएगा तो बाएं मुड़ जाएगा। इस प्रकार की आपको कंडीशन दी रहेगी तो आपको सबसे पहले इसे याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आप अपने आप को यहाँ पर इमेजिन कीजिए, जब आप पूर्व दिशा में जाएंगे तो आपका जो दायां होगा वह यहाँ पर होगा और बायां जो है वह इस दिशा में होगा। अगर आपसे कहा जाए कि कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में जाता है फिर वह दायां मुड़ जाता है अर्थात वह नीचे की ओर जाएगा। इसी प्रकार दूसरा कंडीशन होता है पश्चिम दिशा। मान लीजिए आप अपने आप को यहाँ इमेजिन कीजिए, जब आप यहाँ इस दिशा में जाते हैं अगर आपको दायां कहा जाए तो दायां होगा ऊपर, जबकि बायां कहा जाएगा तो बायां होगा नीचे। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा में जाता है और वह दायां मुड़ जाता है अर्थात वह ऊपर की ओर मुड़ेगा, ऊपर जो होता है वह दायां होता है जबकि इसके विपरीत होता है बायां। इसी प्रकार उत्तर दिशा में जब कोई व्यक्ति जाता है आप अपने आप को इमेजिन कीजिए, दायां जो है इस दिशा होगा और बायां जो है यह दिशा होगा। इसके विपरीत दक्षिण दिशा में जब आप यहाँ पर इस प्रकार आएंगे तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, ये जो दिशा होगी वह बायां होगी और इसके विपरीत जो होगी वह दायां होगी। तो ये चार दिशा होती है और इन चारों कंडीशन को याद रखिएगा कि दायां और बायां किस प्रकार होता है, और आप आसानी से इस पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस पर आधारित एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। इसमें आपका जो प्रश्न बनेगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है 5 किलोमीटर जाता है फिर वह दाएं मुड़ जाता है, तो यहाँ पर आपको दाएं मुड़ना है और दाएं मुड़ने के बाद वह व्यक्ति 10 किलोमीटर जाता है। इसके बाद आपको अगला कहा जाएगा कि वह व्यक्ति दाएं मुड़ने के बाद फिर से वह बायां मुड़ जाता है, दाएं मुड़ने के बाद वह व्यक्ति बायां मुड़ जाता है तो बायां इस साइड होगा, बायां मुड़ने के बाद वह 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि वह व्यक्ति बायां मुड़ जाता है और बायां मुड़ने के बाद 10 किलोमीटर चलता है, यहाँ पर वह बायां मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। तो आपको बताना है कि वह व्यक्ति आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, आपसे कहा जाएगा कि आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। यहाँ पर आपको बताना होगा कि वह व्यक्ति कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। तो यहाँ पर है आरंभिक बिंदु और आप इसकी दिशा देख सकते हैं कि वह व्यक्ति फिर से पूर्व दिशा में पहुँच गया है, वह व्यक्ति पूर्व दिशा में है और इसकी जो दूरी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर है, तो वह जो दूरी होगी वह 10 किलोमीटर होगी और इसकी जो दिशा होगी वह पूर्व दिशा होगी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, वह व्यक्ति अपने आरंभिक बिंदु से पूर्व दिशा में है और 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दाएं और बाएं का जो सेकंड कंडीशन है उसे याद रखिएगा, चारों दिशाओं में दाएं और बाएं की स्थिति किस प्रकार होती है। तो चलिए हम तीसरे कंडीशन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा कंडीशन होता है वह परछाई पर आधारित होता है। परछाई में आपको दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले प्रश्न में सूर्य उदय होता है और दूसरे कंडीशन में सूर्यास्त होता है। यहाँ पर दो व्यक्ति आपसे कहा जाएगा कि दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर करके खड़े हैं, सूर्योदय होगा तो उसी स्थिति में परछाई जो है इस साइड बनेगी, अगर सूर्यास्त होगा तो परछाई इस साइड बनेगी। सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से उगता है और पश्चिम दिशा में डूबता है। तो इस कंडीशन को याद रखिएगा, मान लीजिए इसका नाम है मोलू और इसका नाम है गोलू। इसका जो दायां और बायां याद रखिएगा, गोलू का जो दायां होगा वह इस साइड होगा जबकि इसका जो बायां होगा वह इस साइड होगा। उसी प्रकार मोलू का जो दायां होगा वह इस साइड होगा
और जो बाया होगा वह इस साइड होगा। ये कंडीशन याद रखिएगा। और आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि सूर्योदय के समय गोलू और मोलू आपस में बात कर रहे हैं, अगर मोलू का जो परछाई है वह गोलू के बाई ओर बन रही है, ये जो मोलू है उसकी परछाई जो है गोलू के बाई ओर बन रही है, तो आपको बताना है कि मोलू किस दिशा में मुख करके खड़ा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोलू का जो परछाई है, यहाँ से सूर्य आएगा, इसकी परछाई इसी दिशा में बनेगी, तो जो मोलू का परछाई है वह गोलू के बायां ओर बन रहा है, अर्थात जो मोलू का मुख है वह दक्षिण दिशा में है। इसे आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो गोलू का मुख है वह दक्षिण दिशा में है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न बन सकता है कि गोलू का जो परछाई है वह मोलू के दायां ओर बन रहा है, क्योंकि परछाई हमेशा इसी साइड बनेगी, तो आप बता सकते हैं कि जो गोलू का मुख है वह उत्तर दिशा में है। इसी प्रकार जो सूर्यास्त की स्थिति होती है, परछाई इस साइड बनेगा। यहाँ पर भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसे हम बदल देते हैं, यहाँ पर स्थित है गोलू और यहाँ पर स्थित है मोलू। यहाँ पर हमें प्रश्न में कहा जाएगा कि सूर्यास्त के समय जो मोलू का परछाई है वह गोलू के बाईं ओर बनती है। यह जो व्यक्ति है, यहाँ पर आप देख सकते हैं गोलू, अगर इसका हम दायां और बायां देखें तो इसका जो दायां होगा वह इस साइड होगा और बायां जो होगा वह इस साइड होगा। तो प्रश्न में हमें कहा जाएगा कि जो मोलू का परछाई है वह गोलू के बाईं ओर बन रही है, तो आपको बताना है कि मोलू का मुख किस ओर है। तो मोलू का मुख जो है वह उत्तर दिशा में है, मोलू का मुख उत्तर दिशा में होगा, सूर्य इस दिशा से आएगा, परछाई यहाँ पर बनेगी और जो परछाई है वह बाईं ओर बनेगी। तो मोलू का मुख अगर इस दिशा में है तभी यह परछाई इस साइड बनेगी। अगर गोलू का मुख जो है वह इस दिशा में रहेगा और हमसे कहा जाएगा कि उसकी जो परछाई है वह मोलू के इस साइड बनेगी, यह जो दायां साइड होगा, तो प्रश्न में हमें कहा जाएगा कि जो गोलू का परछाई है वह मोलू के दायां ओर बनेगा, तो आप बता सकते हैं कि जो गोलू का मुख है वह दक्षिण दिशा में है। तो इस प्रकार ये दो कंडीशन होते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त की स्थिति में दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर मुख करके खड़े हैं और आपको बताना है कि जो परछाई होगी, सर याद रखिएगा बायां और दायां, केवल यही कंडीशन बनेगी। अगर गोलू के बारे में कहा जाए तो दायां बोलेगा और मोलू के बारे में कहा जाए तो बायां बोलेगा। तो ये हुआ तीसरा कंडीशन जो कि परछाई पर आधारित है। अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे कंडीशन की ओर, जिसमें आपको दूरी ज्ञात करना रहेगा। दूरी को आप पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे। चलिए उस पर आधारित हम प्रश्नों को देखते हैं। चौथे कंडीशन में आपको दूरी ज्ञात करना रहेगा। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं, ये है पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें ये होता है कर्ण, ये होता है लंब और ये होता है आधार। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अगर आप इस फार्मूले में मान लीजिए, यहाँ पर आपको लंबाई पता है और आधार पता है, अगर आप रखेंगे तो आप आसानी से कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कोई ये व्यक्ति है, वह दक्षिण दिशा में, मान लीजिए यहाँ पर दक्षिण दिशा में वह 4 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ने के बाद वह व्यक्ति 3 किलोमीटर चलता है। इस प्रकार तो आपको बताना है कि वह व्यक्ति अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कंडीशन है वह कर्ण है और इसे हमें ज्ञात करना है। कर्ण को ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर है कर्ण का वर्ग बराबर यहाँ पर लंब का वर्ग, लंब है 4, अगर इसका वर्ग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 16। इसी प्रकार अगर आधार का वर्ग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 9। इसे हम जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा 25। अगर इस स्क्वायर को अगर हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कर्ण बराबर 5। तो इस प्रकार आप दूरी ज्ञात कर सकते हैं, इसके लिए आप पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। इसी प्रकार अगर कोई लंबा प्रश्न दिया है, मान लीजिए कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर जाता है, उसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ने के बाद वह 3 किलोमीटर जाता है, उसके बाद वह फिर से बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ने के बाद वह मान लीजिए 13 किलोमीटर जाता है, 13 किलोमीटर जाने के बाद वह व्यक्ति मान लीजिए मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ने के बाद वह व्यक्ति 6 किलोमीटर जाता है। तो आपको बताना है कि जो वह व्यक्ति है वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आप दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ये जो टोटल है वह 6 किलोमीटर है, तो इसका जब आप आधा लेंगे इसके इस साइड वाला तो आपको प्राप्त होगा 3 किलोमीटर। उसी प्रकार जब आप इसे लेंगे तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा, ये जो 10 है यहाँ पर आपको प्राप्त होगा 3।
यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार की स्थिति निर्मित हुआ है, ये है तीन और ये है तीन। आपको ये वाला दूरी ज्ञात करना है, यहाँ पर मैं मिला देता हूँ। तो यहाँ पर आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके आसानी से जो कर्ण का वर्ग है उसे ज्ञात कर सकते हैं। तो कर्ण का वर्ग होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यहाँ पर आपको प्राप्त होगा 9 और 9। और इस प्रकार जो आपको कंडीशन प्राप्त होगा वह दूरी होगा √18। अगर आप इसे तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार आप जो भी लंबा प्रश्न दिया हो उसे आप आसानी से पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से उसकी जो दूरी होगी उसे ज्ञात कर सकते हैं। अब तीसरा कंडीशन होता है, इसके बाद जो अगला कंडीशन होता है जिसमें आपको जो डिग्री होगी वह बदल दी जाएगी। इसमें एक और प्रश्न बन सकता है जिसे मैं आपको बताता हूँ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की स्थिति। जब भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, आप जानते हैं क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा में और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा में। मान लीजिए आपको यहाँ पर 3 दिया है क्लॉकवाइज और 2 कंडीशन दिया है एंटी क्लॉकवाइज। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, सबसे पहले कोई व्यक्ति है जो कि उत्तर दिशा में मुख करके खड़ा है, वह सबसे पहले 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, उसके बाद वह 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। फिर से वह व्यक्ति 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, उसके बाद वह व्यक्ति 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा। यहाँ पर जो 90 डिग्री है यहाँ पर हम लिख लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, जो कि 90 डिग्री घूमा। उसके बाद वह व्यक्ति 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद वह व्यक्ति जो है वह 45 डिग्री पर और एंटी क्लॉकवाइज। तो इस प्रकार वह व्यक्ति जो है इस दिशा में है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो इस प्रकार आपको जब भी प्रश्न दिया जाए तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले आप क्लॉकवाइज वाले जितने हैं उसे लिख लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज वाले जितने हैं उसे लिख लेंगे। यहाँ पर आप लिख लीजिए 90 180, और यहाँ पर आप लिख लीजिए 90 180 और 45। यहाँ पर जब आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 270। इसे जब आप जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 315। इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो आपको प्राप्त होगा 45 डिग्री, और जो बड़ा है वही दिशा होगा। तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आपको प्राप्त हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है उत्तर दिशा और इसका जो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री अंतिम कंडीशन है वही प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार जब भी आपको दो कंडीशन दिया जाए तो आप इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, इन दोनों को जोड़ लेंगे और उसके बाद इसे जोड़ लेंगे। जब आप घटाएंगे तो जो बड़ा वाला होगा उसी दिशा में वह व्यक्ति जो है उतने डिग्री घूमेगा। अब पांचवा कंडीशन होता है जिसमें जो दिशा होगी उसे किसी डिग्री पर घुमा दिया जाता है। मान लीजिए यह जो उत्तर पूर्व दिशा है, इस उत्तर पूर्व दिशा को प्रश्न में पश्चिम दिशा कहा जाता है। तो हमसे पूछा जाएगा कि जो पूर्व दिशा होगा उसे क्या कहा जाएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं जो उत्तर पूर्व दिशा है उसे पश्चिम दिशा कहा जाता है। मतलब यह कि यह 90 और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, तो आप इसे जोड़ देंगे 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, तब हमें प्राप्त हुआ कि वह पश्चिम दिशा में है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि पूर्व दिशा, यहाँ पर जो पूर्व दिशा होगा उसे हम जब 135 डिग्री घुमा देंगे एंटी क्लॉकवाइज तो हमें जो नया दिशा होगा वह प्राप्त हो जाएगा। तो जो नया दिशा होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है उत्तर और ये है पश्चिम, तो हमें प्राप्त हुआ जो नया दिशा वह प्राप्त हुआ उत्तर पश्चिम दिशा। तो इस प्रकार आप आसानी से बता सकते हैं कि जो नया दिशा होगा वह कौन सी दिशा होगा। प्रश्न में जो कहा जाए उसके हिसाब से आप पहले याद कीजिए कि पहले कंडीशन में कितना डिग्री किस दिशा में घुमा है, उसके बाद जो अगला कंडीशन आपसे पूछा जाए उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। तो ये है टोटल 5 कंडीशन और एक हमने क्लॉकवाइज वाला देखा, मतलब टोटल 6 कंडीशन। तो दिशा पर आधारित जितने भी प्रश्न होते हैं वह केवल 6 कंडीशन पर आधारित होते हैं। अगर आपको यह 6 कंडीशन समझ आ गई होगी तो कल के वीडियो में हम इन 6 कंडीशन पर आधारित जो आगे प्रश्न पढ़ेंगे वो आपको आसानी से समझ आएगा और आसानी से बन जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम इसी पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे।